हनुमान जयंती के अवसर पर दुर्ग के व्यायामशाला में पर्यावरण को सहजने को लेकर 24 कुंडी सूक्ष्म यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 24 दंपतियों ने पौधारोपण कर की पूजा अर्चना। दुर्ग के बैगापारा स्थित लगभग 110 वर्ष पुराने व्यायामशाला में शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर गायत्री परिवार के द्वारा 24 कुंडी सूक्ष्म यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बैठे 24 दंपत्ति द्वारा अपने साथ एक साथ पौधा रोपा गया, पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि दुर्ग के व्यायामशाला में हनुमान जयंती के अवसर पर पर्यावरण को सहजने और संवारने के उद्देश्य को लेकर पूजा में बैठे सभी दंपतियों द्वारा पूजा अर्चना की गई। वहीं गायत्री परिवार के सहयोग से सूक्ष्म यज्ञ के आयोजन में 24 कुंडी इस यज्ञ की खासियत यह रही कि यज्ञ में हवन कुंड में गोबर से बने दिए को रखकर हवन प्रक्रिया अपनाई गई और हवन में शामिल सभी 24 यजमानों को पीपल नीम बरगद के पौधे भेंट करते हुए इसके पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर हनुमान व्यायामशाला के सदस्यों ने कहा कि गायत्री परिवार के सहयोग से सूक्ष्म यज्ञ करा लकड़ी को कटने से बचाने और वृक्षों को संरक्षित करने का संदेश दे रहे हैं, ताकि पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी सहभागिता निभा सके। इस संबंध में व्यायामशाला के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज श्री हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जय हनुमान व्यायामशाला में भव्य 24 कुंडी गायत्री हनुमान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये जो यज्ञ है हमारे आदरणीय गायत्री साधक गणेश भैया के माध्यम से कराया जा रहा है। एक बहुत अच्छा संदेश उनके माध्यम से सूक्ष्म यज्ञ का दिया जा रहा है कि यज्ञ में जो लकड़ियां हवन के रूप में डाली जाती है, तो लकड़ी का ना ये उपयोग करके एक सूक्ष्म यज्ञ का उन्होंने एक नया यज्ञ का रूप में एक हनुमान आयोजन किया जा रहा है, जो कि हम सभी व्यायामशाला के परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि सूक्ष्म यज्ञ का एक हम लोगों को करने का मौका मिला। इस यज्ञ में 24 पौधा रखा गया है, क्योंकि ये 24 कुंडी गायत्री हनुमान यज्ञ है, तो एक एक यजमान को वो ये वृक्ष दिया जाएगा, जिसमें से बड़ का है, बरगद का है और पीपल का है और नीम का पेड़ है। ये सभी को अपने घरों में रखने के लिए दिया जा रहा है। जब ये पेड़, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम वृक्षारोपण करते हैं लेकिन 99% वृक्ष जो है वो बच नहीं पाते हैं, तो ये जो पौधे हैं ये अपने घर में लगाएंगे। घर में लगा के इसको एक स्थिति में अच्छे खासा बड़ा करने के बाद फिर इसको ये बाहर में कहीं लगाएंगे, ऐसा एक संदेश दिया जा रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीर राजशेखर राव है और मैं व्यायामशाला का प्रशिक्षक हूँ, मैं रेलवे में भी जॉब करता हूँ। जी, कितना पुराना है ये व्यायामशाला और कितना उपलब्ध है? दुर्ग शहर का ये व्यायामशाला, जहाँ तक मेरी जानकारी है और हमने हमारे सीनियर पहलवानों से भी जो पूछा है, लगभग 110 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना अखाड़ा है। और आज थोड़ा सा ये दुखद विषय भी है, रखने का मन नहीं है, मगर परिस्थिति ऐसी है कि बताना भी मुझे आवश्यक लग रहा है कि इस अखाड़े की, इस व्यायामशाला की जो जर्जर स्थिति है भवन की, और यहाँ सामानों की, और यहाँ जो भी उपकरण यहाँ पे जिसके माध्यम से पहलवान यहाँ पे वर्जिश करते हैं और इस क्षेत्र का, राज्य का और देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर आज अखाड़े की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये शासन को, हमारे दुर्ग शहर के माननीय विधायक को, नगर निगम के हमारे महापौर जी अनुज मेरे भाकिला जी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी प्राचीनतम एक जो संस्था हमारे शहर में है, इसको संधारण करके इसका एक आज के जो नवीनतम माध्यम से जो जिम चलाए जा रहे हैं प्राइवेट जिम, उस रूप में इसकी साज सज्जा करके यहाँ पे इसको बनाया जाए, ताकि आगे आने वाले जो हमारे नए पहलवान हैं वो नए रूप में यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। और जो परंपरा एक चले आ रही शहर की कि हम अच्छे अच्छे पहलवान, अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से दिए हैं, वो परंपरा एक जारी रहे, अनवरत जारी रहे, ऐसा मेरा निवेदन है कि शासन प्रशासन यहाँ पे इसमें थोड़ी सी पहल करें। अभी तक की जो स्थिति यहाँ पर सामानों की, इक्विपमेंट की है, वो इन सब पहलवान भाइयों के द्वारा, हमारे द्वारा सब पहलवान भाई अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसके माध्यम से यहाँ पर हम ये साज सज्जा भी रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा दुख होता है कि इतनी प्राचीनतम संस्था का यहाँ पर संधारण और उसका रख रखाव नगर निगम और प्रशासन विधायक महोदय के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये थोड़ा सा दुख का विषय है। नाम बता देंगे आप लोग? मैं तुलसी सोनी, इस अखाड़े में 1982 से मैं प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ और अभी इसकी हालत को देख के थोड़ा दुख हो रहा है, इसलिए मैंने ये बातें रखी आपको।
कॉन्सेप्ट को लेकर आज यहाँ पे हवन कराया है। आज यहाँ दुर्ग शहर के बहुत ही प्राचीनतम अखाड़ा जय हनुमान व्यासशाला अखंड कोटि नायक प्रभु श्री राम के नन्हे भक्त शिरोमणि महाबली महावीर हनुमान जी का प्रकटोत्सव दिवस आज मनाया जा रहा है। और आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर हनुमान व्यासशाला के आयोजकों द्वारा इनके संरक्षकों के द्वारा आज यहाँ पर गायत्री हनुमान यज्ञ का आयोजन किया गया है। और साथ में यहाँ पर हम यज्ञ में जो विराजमान है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको एक संदेश देते हुए साथ में समाज को भी संदेश देते हुए कि हम वृक्षों का रोपण करें, हर घर में हम पर्यावरण को बचाते हुए वृक्षों का रोपण करें और उनको शहर का उनको बड़ा करें ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। इस ध्यान को रखते हुए एक संदेश यहाँ पर देने का प्रयास किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।